नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इंद्री उपमंडल के गांव भातसो के जोहड़ में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के मुताबिक ये शव भट्टे पर काम करने वाले मजदूर का बताया जा रहा है। भट्टे पर काम करने वाले मजदूर हाफिज ने बताया कि पिछले 5 दिनों से ये गायब था। परिवार के सभी सदस्य ईद मनाने के लिए अपने गांव उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला गए हुए थे। ये शराब पीने का आदी था और कई दिनों से गायब था। हमने इसकी कई जगह तलाशी की लेकिन कोई पता नहीं चला। अचानक गांव के जोहड़ में उसका शव होने की सूचना मिली। ग्रामवासियों ने डायल 112 पर फोन कर घटना की जानकारी दी। इंद्री पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया। मामले की जांच जारी है। जांच अधिकारी ASI कृष्ण कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि यहां किसी व्यक्ति का शव पड़ा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि गांव भादसो के पास जोहड़ से काले नाम के व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। व्यक्ति की उम्र लगभग 50 साल बताई जा रही है। मामले की जांच की जा रही है। इंद्री से हमारे संवाददाता जसविंदर शर्मा की रिपोर्ट। सर, नाम क्या बताया गया व्यक्ति का? उसका नाम बताया। परिवार नहीं है सर इसका? उसको कोई नहीं है। बता रहे सर भट्टे पर काम करता है। थोड़ा थोड़ा गाड़ी से पहचान मारा, इस पर चोट लगी थी गोल्डे पे, वो भी पहचान से मारे तो गोल्डे की चोट से दिख लिया। चोरी आ रही है, फूल रहा है वो, अच्छी तरह साफ होगा फिर अच्छी तरह पछाड़ देगा। आऊँ कुछ हमारे साथ के जितने बच्चे का नाम है वो ही है। कुछ नाम नहीं देता है उसने? ना ना नाम कुछ नहीं आने वाले। हमने नहीं देखा क्या नाम कुछ ऐसी चीज ना जो नाम हमने देखा देखो उसको तो इसके शरीर में कोई तक कौन नहीं। ठीक, कितने वो काम करते हैं यहाँ तक? कम से कम ऐसा करता है 5 से 6 आदमी का। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।